नमस्कार, इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टरों ने धन्यवाद यात्रा निकाली। बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज से ट्रैफिक चौक कचहरी चौक होते हुए कैंटीन चौक में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी उपस्थित हुए। बेगूसराय चेरिया बरियापुर विधानसभा से उम्मीदवार जन अधिकारी पार्टी के वर्तमान समय में और पुराने समय में आयुर्वेद अपना इतिहास बार बार दोहरा रहा है। वर्तमान स्थिति में COVID-19 का जहां प्रकोप है, वहीं साल भर से अभी तक एलोपैथी में उसका कोई भी वैक्सीन नहीं तैयार हो पाया है। जो वैक्सीन तैयार हुआ है वह भी पूरी तरह से सफल नहीं है। यहां आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के द्वारा COVID-19 का इलाज किया गया और अधिकांश पेशेंट पर इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिला। इन सभी उद्देश्यों को देखते हुए भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष चिकित्सक को सभी प्रकार की सर्जरी करने की अनुमति दी गई, जिसके विरोध में विगत 11 दिसंबर को हो रही आयुष चिकित्सक उस विरोध के खिलाफ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बेगूसराय की छात्र छात्राएं, प्रोफेसर और बेगूसराय के तमाम चिकित्सक विनय शांतिपूर्ण से उन्होंने धन्यवाद यात्रा निकाली और आयुर्वेद के प्रति आम लोगों के बीच जागरूक करने का एक संदेश भी दिया गया। मौके पर उपस्थित जन अधिकार पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर एस कुमार ने कहा कि जब हमारी पढ़ाई सामान्य है, वर्किंग टाइम सामान्य है, तो हम लोगों का अधिकार भी क्यों नहीं हमें मिलना चाहिए। इस काम के लिए उन्होंने भारत सरकार को तहे दिल से धन्यवाद दिया और आयुष के प्रति लगातार इस तरह के अच्छे कार्य करते रहें ऐसी भगवान से दुआ की। उन्होंने प्रदेश के सभी आयुष चिकित्सकों से आग्रह किया है कि 11 दिसंबर को अपने अपने प्रतिष्ठान में सभी रोगियों का फ्री इलाज करें और जितने भी सरकारी चिकित्सक आयुष चिकित्सक हैं वह अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र पर अपना योगदान दें। बेगूसराय चेरिया बरियापुर विधानसभा से उम्मीदवार जन अधिकारी पार्टी के मौके पर उपस्थित आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्रधान अध्यापक डॉक्टर एस कुमार चतुर्वेदी, आमदा के सचिव डॉक्टर सुशील कुमार, आरबीएस के अध्यक्ष डॉक्टर रितीश रमन जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार और संस्थान के सभी स्टूडेंट शामिल हुए। लगभग 100-150 लोग डॉक्टर्स की टीम में, जो आयुर्वेद डॉक्टर्स की टीम में यात्रा के लिए निकले हैं। आज की भारत सरकार ने हमें सर्जरी का अधिकार दिया है, पूरे 80 तरह की सर्जरी करने का अधिकार हम आयुर्वेद के डॉक्टर्स को मिला है। इसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद करने के लिए ये रैली निकाले हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आयशा है। मैं बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। 80 में इसी बेगूसराय आयुर्वेदिक कॉलेज से निकले पढ़ाई करके और बहुत खुशी हुई। सरकार हम लोगों को एक अधिकार दिए तो बहुत पहले भी थे, लेकिन जनता जो डॉक्टर लोग हैं बड़े बड़े सब बचे हुए, उन लोगों का एक थोड़ा सा छोटा सा तकलीफ था, जिसमें सरकार इस तकलीफ को दूर कर दी है कि नहीं, आयुर्वेद डॉक्टर भी कुछ भी सर्जरी कर सकता है और वो भी अपना जीविका चला सकता है, कमा सकता है। शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय बेगूसराय से चलकर स्वर्ण जयंती पुस्तकालय तक हम लोग आए हैं और इसमें प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य विभाग आयुष मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया जो सर्जरी करने का जो अधिकार दिया है उसके लिए हम लोग धन्यवाद कर रहे हैं। पहले से ही जो MS किए हुए हैं उनके लिए सर्जरी की व्यवस्था है। भारत सरकार ने इस बार 80 प्रकार की सर्जरी को प्रख्यापित कर दिया है कि आप 80 तरह की सर्जरी आयुर्वेद के MS योग्यताधारी चिकित्सक कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ ENT में, जनरल सर्जरी में और गायनी में MS योग्यताधारी चिकित्सक निकल रहे हैं। सरकार ने चूंकि ऐतिहासिक काम किया है, इसलिए हम इस धन्यवाद यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे आयुष मंत्री श्रीपद नायक और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी का आभार व्यक्त करते हुए आज हम लोगों ने यह धन्यवाद यात्रा निकाली है, ताकि यह धन्यवाद यात्रा भारत सरकार तक संदेश पहुंचे कि जो हमारे IMA के लोग जो हमारे सिस्टम का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि वो हमें भी जीने दें, खुद भी जिए और हमें भी जीने दें। IMA का सर्जरी
आयुर्वेद की नींव पर खड़ा हुआ है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं आयुर्वेद के, उसमें से 50% इंस्ट्रूमेंट को मॉडर्नाइज करके आज मॉडर्न के डॉक्टर यूज कर रहे हैं। इसलिए हम उनसे भी अपील करते हैं कि हमारी चिकित्सा पद्धति को भी वो जीने दें, उनको सहज रूप से जीने दें, क्योंकि आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम इसके लिए भारत सरकार को संपूर्ण आयुर्वेद जगत आज धन्यवाद दे रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद यात्रा हमने निकाली है। हमारे प्राचार्य डॉक्टर उमाशंकर चतुर्वेदी ने आयुर्वेद कॉलेज में सर्जरी की आधुनिक मशीनें लगा करके सर्जरी की तमाम व्यवस्था की है। हमारे यहाँ 3 सर्जन मौजूद हैं, डॉक्टर मनीष कुमार आलोक, हमारे प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र पांडे और एक चिकित्सक हैं। 3 सर्जन हमारे यहाँ मौजूद हैं। ENT में डॉक्टर मुन्ना कुमार जी हैं, जो प्रख्यात सर्जन और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। वो सारे लोग मिल करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने यह धन्यवाद यात्रा निकाली है। हम आयुष मंत्रालय, आयुष मंत्री, प्रधानमंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देते हैं। क्या नाम है?